योगी सरकार में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपराधी को कोई भी डर नहीं है। यहाँ पे अपराधी दिन दहाड़े धारदार हथियार से लोगों के घर पहुंचकर हमला कर रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सरकार चाहे जितना भी कठोर नियम व कानून बना ले, लेकिन अपराध पर अंकुश लगता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक के बाद एक घटनाएं सामने आती जा रही हैं। अभी चंद रोज पहले ही पड़रौना कोतवाली क्षेत्र में पति पत्नी को जिंदा जलाकर मारने का मामला सामने आया था। इस घटना का खुलासा अभी हुआ भी नहीं था कि आज फिर पड़रौना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हैवानों की दरिंदगी से दिल दहल उठा। देर रात अपने घर में सो रहे एक परिवार के 5 लोगों को धारदार हथियार से हमला कर घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। परिवार की 2 महिलाओं सहित एक बच्ची की गंभीर हालत के चलते उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। ये हमलावर चोरी के इरादे से घर में घुसे थे या फिर उनकी मंशा कुछ और ही थी, पुलिस पूरे मामले की छानबीन में डॉग स्क्वाड के साथ लगी हुई है। पीछे से घुस करके सामान उठा ले गए हैं, मारे भी हैं, हम लोग भी गए हैं तो हम लोग भी मार दिए। बदमाश को पकड़ा था, नाती हमारा है ना, वो पकड़ लिया था, आई उसकी माँ भी पकड़ ली थी, लड़की भी थी वहीं पकड़ी। कुशीनगर जनपद के पड़रौना शहर से सटा गांव छपरा अपराधियों के हैवानियों के कारण देर रात से ही दहशत में है। बताया जा रहा है कि यासिन का पूरा परिवार सो रहा था कि घर के अंदर हुई कुछ खटपट की आवाज से यासिन की बहू की नींद खुल गई। घर के अंदर कुछ हथियारबंद युवकों को देखकर वो चिल्ला रही थी कि उनमें से एक ने आगे बढ़कर किसी धारदार हथियार से उस पर हमला बोल दिया। चिल्लाने की आवाज से यासिन की बेटी खुद यासिन और मुर्तजा भी सामने आ गए। हमलावरों ने इनके साथ एक छोटी बच्ची को भी अपना निशाना बना लिया और भागने में सफल हो गए। हमले में कुल 5 लोग घायल हुए हैं। प्राथमिक इलाज के बाद इनमें से ज्यादा गंभीर 2 महिलाओं और एक छोटी बच्ची को डॉक्टर ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। सूचना के बाद हरकत में आई पड़रौना कोतवाली पुलिस डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। संबंध में मैंने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली से बात किया, उन्होंने बताया कि केवल छपरा गांव में यासीन अंसारी हैं, उनके घर में लोग सो रहे थे रात में, तो बगल के जो मकान है उसके छत से उनके घर में 2 चोर घुस आए थे, जो उनका जो लड़का है उसके कमरे में थे और उन्होंने हमारी जैसे पुलिस की आवाज़ सुन के उसका लड़का जो है भजक गया, तो वो दोनों चोर बाहर मकान का पीछे का दरवाज़ा खोल कर भागे और पीछे से दौड़ा करके मकान के बाहर उसने जो है उसमें से एक आदमी को पकड़ लिया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, लोगों में फिर वही पुराना जंगल राज की डकैती का डर सताने लगा है। कुशीनगर से उमर अंसारी की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।